एगलेस केक्स बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? एगलेस केक बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, आजकल फ्लैक्स सीड्स का भी यूज़ होता है, और लेकिन हम जो बना रहे हैं उसमें हम यूज़ करेंगे ड्राई फ्रूट एंड ओनली कुकिंग पार्ट, सो नो बेकिंग, नो सोडा, सो वो हमारे लिए हेल्दी हो जाएगा। एगलेस केक्स को और हेल्दी बनाने के लिए और आप क्या सजेशंस देना चाहेंगी? एगलेस केक को हेल्दी बनाने के लिए हम नट्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सीड्स है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, सेसमे सीड्स है, वो सब सीड्स यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। और आजकल सब लोग को शुगर का भी प्रॉब्लम रहता है जी, तो हम शुगर को अवॉइड करके उसकी जगह पे जैगरीपन यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप खजूर ले सकते हो, खजूर है, अंजीर है, वो सब की पेस्ट बना के भी हम उसे हेल्दी बना सकते हैं। लीना जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि केक्स को हम जनरली बर्थडेज, एनिवर्सरीज, क्रिसमस या न्यू ईयर्स पे ही याद करते हैं, क्या इसे हम अन्य त्योहारों पर भी बना सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बर्थडे एनिवर्सरी में ही बना सकते हैं, आप अलग अलग ओकेजन पर भी उसको बना सकते हैं। अभी रक्षाबंधन गया तो रक्षाबंधन में एज अ गिफ्ट देनी हो भैया को, या तो भैया लोग सिस्टर को जो गिफ्ट देते हैं उसमें भी दे सकते हैं। और फिलहाल अभी नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में भी हम जो प्रसाद बोलते हैं तो प्रसाद चढ़ाने के लिए भी आप ये केक बना सकते हो, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसका भोग धरा सकते हैं। और जो आजकल दिवाली में ट्रेंड है, सबको स्वीट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, तो उसमें भी अगर कुछ हटके आपको देना हो तो इसमें ड्राई फ्रूट का भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, स्वीट्स का भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो आप ये बना के दिवाली में भी सबको गिफ्ट कर सकते हैं।